मदिरा निकला, जो आजकल बहुत प्रचलन में है। शराब आजकल के यथाकथित सुधरे हुए लोगों की पहली पसंद होती है, उसी को सबसे अच्छा लिक्विड मानते हैं पीने की। भले पीने के बाद कैसी भी दुर्दशा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कितने लोग का शौक होता है, शौक से घर पे ला करके अपने तो पीते ही हैं, साथ में बेटे को भी बैठा करके पीने लगते हैं। ऐसे लोग भी हैं संसार में। कितने लोग ऐसे भी हैं, अपने बेटे से ही कहते हैं बेटा जरा लेकर के आना, बेटा ला करके बाप को देता है। और मॉडर्न में चले जाइए, बेटे बाप से कहते हैं डैडी आज पिया नहीं, मूड ठीक नहीं लग रहा है, तो डैडी जी पैसा निकाल करके देते हैं और बेटा जी लेके आते हैं और दोनों साथ में लगाते हैं। बुद्धि भी भ्रष्ट करते हैं, लक्ष्मी जी को भी घर से भगा देते हैं, क्योंकि जिस घर में मदिरा का प्रयोग होता है वहां लक्ष्मी जी नहीं रह सकती। वैसे तो इनकी बहन है, लक्ष्मी जी के बहन है, लेकिन फिर भी जिस घर में ये मदिरा आ जाती है वहां से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और उस नशे का क्या फायदा होता है, जो रात को पिया सुबह उतर गया, क्या मिलता है ऐसे नशे से? वैसे तो सारा संसार नशे में है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को नशा है, नशा हर किसी को है यहाँ पर। किसी को पत्नी का नशा, किसी को पुत्र का नशा, किसी को रुपए का नशा, किसी को जमीन का नशा, किसी को घूमने का नशा, और किसी किसी को सबसे परम कल्याणकारी नशा ठाकुर जी का। नशे में सब है, लेकिन नशा किस प्रकार का होना चाहिए? नशा यदि करना है तो ठाकुर जी के नाम का नशा कर लीजिए, क्योंकि जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी सुबह को उतर जाएगी। यदि पीना है तो ठाकुर से नजरें मिला करके पी, जिंदगी ये नशे में गुजर जाएगी। ये ठाकुर जी के दरबार में जाइए और ठाकुर जी के स्वरूप का नशा कर लीजिए और फिर देखिए। जाम तेरा मुल्ला रोज पीना, मस्तों का यही है करीना, प्यार से मैं जो एक बार पी ली जिंदगी भर उतरती नहीं है। बस एक बार जो प्यार से ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर लिया, उनके स्वरूप को हृदय में बसा लिया, तो जिंदगी बन जाती है। यदि ठाकुर जी का नशा हो जाए तो मदिरा निकली। अमीय शंख गजराज, शंख निकला, हाथी रावत हाथी निकले, कल्प द्रुम कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग को चला गया धनु धेनु, गाय निकली गौ माता काम धेनु गाय, विश्व धनवंतरी बाज, धनवंतरी वैद्य निकले, बाद उच्चैश्वा घोड़ा निकला, विष निकला, जिसे सारे देवी देवता निकलते ही सबको मूर्छा आने लगे, सबके प्राण सूखने लगे, सारा संसार त्रस्त होने लगा। इतना महाकाल, इतना वो महाकूट विष था। यदि कोई पास में चला जाए तो बस उसका काल ही आ जाए, इतना विशाल विष। सब देवी देवता लेकर के गए भगवान शिव के पास कि भगवान शिव ही इसका पान कर सकते हैं। भगवान शिव उस विष को भगवान श्री राम का नाम लेकर के ये विचार किए कि मुख में नहीं रखूंगा, क्योंकि मुख में यदि रखा तो भगवान का नाम निकलता है, प्रभु को कष्ट होगा,
हृदय में भी नहीं रख सकता, क्योंकि इस हृदय में भगवान श्री राम की छवि बसी हुई है, प्रभु को कष्ट होगा। तो उन्होंने उस विष को अपने गले में रोक लिया, विष को पिए और गले में रोक लिया, इसलिए प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। पीते वक्त जो दो चार बूंद विष के गिरे, वो सांप ने बिच्छुओं ने पी लिए, हड्डा इत्यादि इन लोगों ने ग्रहण किए, तो इनमें भी विष हो गया, इसलिए विषैले कहे जाते हैं। वही जो पड़ी हुई थी विष की फुइयां, उसको सांपों ने ले ली। अमी अर्थात अंत में निकला अमृत, अमृत निकला, सारे देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए, सभी राक्षस प्रसन्न हुए कि अब तो हम पी करके अमर हो जाएंगे। निकलते ही आपस में झगड़ा होने लगा कि अब हम पहले पिएंगे तो पहले हम पिएंगे। भगवान ने देखा अब तो कार्य बिगड़ने वाला है, और वहां प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया। प्रभु का जो पुरुष का अवतार है वो इतना मनोहर है, इतनी सुंदर छवि के मन में बस जाए तो जीवन भर न निकले, मन में बस जाए तो व्यक्तियों के पागल की दशा हो जाए। तो प्रभु जब स्त्री बने होंगे तो उनके सौंदर्य का कोई क्या वर्णन करे। मोहिनी अवतार जैसे ही प्रभु लेकर के आए, श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसा वर्णन किया गया वो तो बताना असंभव है कि शिवजी उसको देख करके कितने मोहित हो गए, उनके मोहिनी स्वरूप को देख करके। सारे देवी देवता एकटक होकर के प्रभु को देखने लगे, सभी जानते थे कि प्रभु का मोहिनी अवतार है, परंतु फिर भी सब भूल गए कि ये भगवान नारायण है। दैत्य मोहिनी के पीछे पड़ गए, भूल गए कि हमारे हाथ में अमृत भी आने वाला है, इतनी आसक्ति हो गई मोहिनी में। पीछे पीछे लगे तोड़ने, सभी पूछने लगे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो। सब दैत्य बस ऐसे दृष्टि से देखने लगे कि ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए। सभी पूछने लगे यहां से तुम कहां जाओगे, ये सब छोड़ो कहां से आई हो, कौन हो, तुम ये बताओ तुम जाओगे कहां। मोहिनी ने कहा मुझे जो ही प्रेम से बुलाएगा मैं उसी के घर चली जाऊंगी। वैसे तो मोहिनी ने बिल्कुल सत्य कहा कि जो ही प्रेम से बुलाएगा उसी के घर चली जाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी जो ही प्रेम से बुलाता है उसी के घर चले जाते हैं। लेकिन मोहिनी के गूढ़ार्थ शब्दों को वो राक्षस कैसे समझे, दैत्य कैसे समझे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है। वो कहती है मुझे जो ही प्रेम प्रेम से बुलाता है, जो प्रेम से पुकारता है, मैं उसी के घर चली जाती हूँ। अब दैत्यों को लगा ये हमारे घर चलेंगे, हमारे घर चलेंगे। मोहिनी ने वो अमृत का घड़ा हाथ में लिया, कहा मैं ये अमृत पिला दूं आप लोगों को। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हम आप ही के हाथ से अमृत पियेंगे। सभी एक लाइन में बैठ गए, सभी बैठ जाओ, देवी जी बांटेंगे, हम पिएंगे, जैसा ये करेंगे सब उचित होगा। इतनी आसक्ति हो गई, सभी के सभी दैत्य लाइन में बैठ गए। दैत्यों से कहा कि ऊपर का भाग जो है ये बिल्कुल नीरस है, पानी वाला, ये असली अमृत नहीं है, असली अमृत तो नीचे है। कहा अच्छा, कहा हाँ मैं एक कार्य करती हूँ, पहले देवताओं को पिला देती हूँ, पुनः आप लोग को पिला दूंगी। कहा ठीक है, देवताओं की तरफ गई तो इधर दैत्य में से एक दो थे जिनको जिनके मन में शंका हो गई कि कहीं कुछ गड़बड़ है। आकर के बैठ गए। अब मोहिनी विचार करने लगी, यदि इनको नहीं पिलाती हूं तो बस सारे दैत्य समझ जाएंगे
जैसे मुख में डाला भगवान नारायण ने गला काट दिया। और ब्रह्मा जी ने, एक ही राक्षस था, उसके शरीर के दो भाग हुए थे, ऊपर का राव बना दिया, नीचे का केतु बना दिया, जो आज भी वैर के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते रहते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के बगल में ही जाकर के बैठा था वो। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया, पुनः युद्ध हुआ। युद्ध के बाद स्वर्ग का राज्य देवताओं को मिल गया। बलि को अत्यधिक चोट पहुंची, क्योंकि दैत्य राज बलि थे, उन्होंने भृगुनंदन ऋषियों की सेवा की। प्रसन्न होकर के उन्होंने बलि से यज्ञ करवाया विजिताश्व नाम का, और बलि को पुनः हिष्ट पुष्ट किया। दैत्यराज ने संजीवनी बूटी से हिष्ट पुष्ट किया, मरने के समान हो गया था, उसको एक प्रकार से प्राण दिए शुक्राचार्य जी ने, जो दैत्यों के गुरु हैं। पुनः तैयार करके युद्ध करवाए, बलि के पास सब कुछ, तीनों त्रिलोकी का राज्य हो गया संतों की सेवा करने से। और तब सातवें मन्वंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हुए, जिनके घर कश्यप अदिति हुए, जिनके वहां वामन भगवान ने अवतार लिया। वामन भगवान जब अवतरित हुए तो उस समय वो 7 वर्ष के थे, इसलिए उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में। वामन भगवान 5 वर्ष के 7 वर्ष के लिंगोटा पहने हुए यज्ञ में जहां बलि दान कर रहे थे वहां पहुंचे। छवि बिल्कुल कैसी है, अत्यधिक सुंदर छवि वामन भगवान की, बिल्कुल हमारे बांके बिहारी लाल जी जैसे। बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा वामन भगवान को, छवि इतनी सुंदर लगी कि मन ही मन विचार करने लगी कि ये मेरा पुत्र होता और मैं इसे दूध पिलाती। इतनी सुंदर छवि वामन भगवान की। बलि दान कर रहे थे, वामन भगवान गए, उन्होंने कहा मुझे भी दान चाहिए। बलि ने कहा आपको जो चाहिए मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा पहले संकल्प तो कर दो, मुझे क्या चाहिए। बलि ने कहा आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे जो चाहिए वही मांगूंगा मैं, लेकिन संकल्प करो मुझे 3 पग भूमि चाहिए अपने पग से। बलि को हंसी आ गई। बलि ने कहा आप इतने छोटे से नन्हे से 3 पग भूमि में क्या हो पाएगा, आपके रहने की भी व्यवस्था नहीं होगी, आप मेरे पग से 3 पग भूमि ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा नहीं तुम्हारे पग से नहीं, मुझे अपने पग से 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है हम संकल्प करते हैं। शुक्राचार्य समझ गए बलि के गुरु, ये तो विष्णु है, छल कर रहे हैं। मना करने लगे बलि को, नहीं मत दान दो, संकल्प मत करो, ये छल कर रहे हैं। बलि ने कहा यदि ये छल कर रहे हैं तो भी मुझे अतिशय प्रसन्नता है, अगर ये विष्णु हैं तब तो
तो बात ही क्या। मैं तो अतिशय प्रसन्न हूं, अगर ये विष्णु हैं तो इन्हें दान देने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं संकल्प करूंगा, तीन पग भूमि जैसे संकल्प करने जा रहे थे, शुक्राचार्य जी को नहीं देखा गया। ये मेरा शिष्य है, ये सर्वस्व मांग लेगा विष्णु तीन पग भूमि में। और आकर के केतली के, केतली का जो रास्ता होता है, केतली सभी लोगों ने देखी होगी, रास्ता होता है केतली का, आकर के बस बैठ गए उसमें। अमन भगवान ने सी को उठाई और केतली के छेद में जैसे डाला, शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, उसमें से निकले जल निकाला प्रभु ने और संकल्प करवाया कि कहो कि तीन पग भूमि दान दोगे। बलि ने संकल्प किया, जैसे बलि ने संकल्प किया प्रभु अपने शरीर का विस्तार किए, विराट स्वरूप प्रभु ने धारण कर लिया। एक पग भूमि में पूरी पृथ्वी, दूसरी पग में पाताल स्वर्गलोक सब नाप लिए, दो ही में सब के सब खत्म हो गए। कहीं कहीं ढाई पग का भी वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में दो पग का वर्णन है, दो पग में सर्वस्व नाप लिया, एक पग बच गया। प्रभु ने कहा बलि अब तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और संकल्प करने के अनुसार जो दान नहीं देता वो नरकवासी होता है, अब तो तुम्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। बलि ने कहा नहीं प्रभु, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? प्रभु ने कहा धन का स्वामी बड़ा होता है। बलि ने कहा प्रभु अभी मैं बाकी हूं, ये सब मेरा है और मैं स्वामी हूं, इस संपत्ति का मालिक मैं हूं। भगवान अतिशय प्रसन्न हुए बलि के आत्मसमर्पण से, क्योंकि वो चाहे कितना भी अहंकारी हो, कितना भी कुटिल हो, कितना भी खल हो, कितना भी अधम पतित हो, नीच हो, निरादम हो, लेकिन भगवान को जब आत्मसमर्पण कर देता है सच्चे हृदय से प्रीति के साथ, तो प्रभु को दया आ जाती है। जब कहा कि प्रभु मैं बाकी हूं मुझे नाप लो, तो प्रभु ने तीसरा पग बलि के मस्तक पे रखा। बलि ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, किसको? जिसके पास सब कुछ है उसको, भगवान नारायण को। मैंने कहा था आप लोगों से, यदि दान करना सीखना है तो बलि से सीखिए। वो जानता है कि मेरे दरवाजे पे वो मांगने आया है जिसके पास भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी दान करने का कितना बड़ा हृदय है कि वो कहता है कि नहीं मैं दान करूंगा, मैं दूंगा, मेरे दरवाजे पे कोई आया तो खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। आज तो इतनी जनसंख्या है, आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी है, जन्म के अवसर पे कुछ ना कुछ तो दान करना ही चाहिए। अपने घर में सभी दान करते हैं, जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो सब अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट करते हैं किसी न किसी को। परम पूज्य डॉक्टर कैलाश मानव जी, जो नारायण सेवा संस्थान को 28 वर्षों से लेकर के चल रहे हैं, लाखों बच्चों को, अपाहिज बच्चों को चलने की शक्ति प्रदान करवाई परमात्मा ने उनके द्वारा, उनको निमित्त बनाया इस अच्छे कार्य के लिए। संसार में धन सभी के पास है, लेकिन धन के साथ मन का होना परम आवश्यक है। और यदि धन दे ठाकुर जी अपना मन नहीं बढ़ाते हैं दान करने के लिए, तो परमात्मा को लेने में समय नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों इससे लिया? भगवान ने कहा इसलिए लिया कि इसको अभिमान हो गया था धन देने के पश्चात।
और जब मैं धन देता हूँ, धन पा करके व्यक्ति दान नहीं करता है, अभिमान आ जाता है, तो उसी प्रकार मैं छीन भी लेता हूँ। जितने वेग से देता हूँ उतने ही वेग से मैं लेना भी जानता हूँ। और यदि धन पा करके अभिमान न आए तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरी अतिशय प्रीति है, धन है। यदि चाहते हैं कि ये धन बना रहे तो धन से ममता को खत्म कीजिए, दान करना सीखिए। यदि 5 लाख रुपया रखे हो, बहुत प्रीति है, चाहते हो कि वो 5 लाख बना रहे, तो संकल्प कीजिए 50,000 निकालिए उन बच्चों के लिए जिनको चलना नहीं आता, वो 4.5 लाख का ठाकुर जी 9 लाख बना देंगे। उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, 2 मिनट में उसको वो 2 गुने कर देंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कम हो जाएगा। परमार्थिक के कार्य में जब अपने धन को लगाएंगे ना, तो ठाकुर जी को अतिशय प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी अपने किस भक्त को सबसे ज्यादा देते हैं, ठाकुर जी भी देखते रहते हैं। जब देखते हैं ठाकुर जी ना कि मैंने अपने इस भक्त को दिया है और ये मेरा भक्त 20 की देखभाल कर रहा है, 50 की देखभाल करता है, तो ठाकुर जी सोचते हैं चलो ये तो मेरा ही काम कर रहा है, मेरे भक्तों की देखभाल कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसी को दे दूं, जब इसका मन इतना विशाल है, इतना बड़ा है। तो जब वो देता है ना, तो ठाकुर जी कृपा करके उसे और भी देने लगते हैं कि तू ले, क्योंकि तू देना जानता है। तो जो देता है वही पाता है, संसार का नियम है ये। तो आज तो जन्मोत्सव है, ठाकुर जी के इस जन्मोत्सव पे इस नेक काम को मन में यदि आता है दान करने का, तो तुरंत दान कीजिए। आज ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे कम से कम तो 50 बच्चों को तो चला